So we start today's lecture with the solution of problem 21. So यहाँ पे हमें एक वेक्टर फंक्शन a दिया हुआ है. If a equals cos of x y I plus 3 x y minus 2 x square j minus 3 x plus 2 y k, find the partial derivative of a with respect to x, partial derivative of a with respect to y, second partial derivative of a with respect to x, and so on. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर फंक्शन a है, it is the function of more than one variables. It is the function of two variables x and y. जब भी हमारे पास कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का होता है, तो वहाँ जब डेरिवेटिव होते हैं तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं. तो यहाँ पे हमने गिवन मल्टी वेरिएबल फंक्शन जो है, इसके गिवन पार्शियल डेरिवेटिव्स एवेल्युएट करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. ओके, तो हमारा जो वेक्टर फंक्शन ए है, देयर इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई आई प्लस 3xy minus 2x square j minus 3x plus 2y k. तो ये हमारा वेक्टर फंक्शन है. सबसे पहले हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे. तो यहाँ पे हम y को कांस्टेंट लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ xy क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ xy, और साथ में जब हम xy का डेरिवेटिव लेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और y को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा y. फिर प्लस द डेरिवेटिव ऑफ 3xy क्या होगा? तो यहाँ 3 और y दोनों कांस्टेंट हैं, तो 3y टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा 3y. इस तरह फिर माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x j. यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, और 2y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. ये हो जाएगा सिंपली माइनस y टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई प्लस हेयर आई 3y माइनस 4x j माइनस 3k. तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x. अब हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y. अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और अब हम x को कांस्टेंट रखेंगे. तो cos ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, और साथ में जब एक्स वाई का डेरिवेटिव हम लेंगे तो हम x को कांस्टेंट लेंगे, तो x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये हो जाएगा x टाइम्स i. और इस तरह यहाँ पे 3xy में यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x को कांस्टेंट रखेंगे, तो हो जाएगा 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये हो जाएगा 3x. और फिर यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, टाइम्स j. तो माइनस यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y 2. इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x साइन ऑफ एक्स वाई आई प्लस 3x j माइनस 2k. सो दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y. सो नाउ वी विल फाइंड द सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x. सो सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि दिस इज partial by partial of x of partial a by partial x. The partial derivative with respect to x of partial a by partial x.
अब देखो ऊपर पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स का जो हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था वो ये था, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस थिंग विच इज माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई टाइम्स आई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 4x टाइम्स जे माइनस 3k। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी अगेन हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई का, तो माइनस वाई कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस वाई, और जब साइन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स वाई, साथ में एक्स वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कांस्टेंट है तो वाई टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ये वाई हो जाएगा टाइम्स आई। इस तरह पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस थिंग, तो थ्री वाई का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और माइनस फोर एक्स का ये हो जाएगा माइनस फोर, तो माइनस फोर टाइम्स जे, और थ्री के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस y squared cos of x y I minus 4j. Okay, so this is the second partial derivative. Okay, फिर हम find करेंगे next जो partial derivative है वो है, अब हमने find करना है second partial derivative of a with respect to y. Okay, so now we find the second partial derivative of a with respect to y. So again, this is first partial derivative of partial a by partial y, which is equal to the partial derivative with respect to y. और partial a by partial y के ऊपर हमने expression जो निकाला था, तो वो हमारे पास आया था minus x sine of x y I plus 3x j माइनस टू के। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था ऊपर पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई का। इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स टाइम्स आई, और थ्री एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो जीरो जे हो जाएगा, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और माइनस टू के भी जीरो हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई आई। ओके, तो फिर हम जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो है पार्शियल टू ए बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, तो हमें फाइंड करना है ये पार्शियल डेरिवेटिव। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि partial by partial x of partial a by partial y. okay, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने partial derivative with respect to x find करना है किस expression का, partial a by partial y का, partial by partial x partial a by partial y का हमारे पास expression क्या आया था ऊपर, तो ये हमने पहले evaluate कर लिया था partial a by partial y, तो ये आया था minus x sine of x y i प्लस थ्री एक्स जे माइनस टू के। अब हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव कीपिंग वाई कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया है एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो क्या होगा, सो माइनस एक्स as it is times the partial derivative with respect to x of sine of xy which is cos of xy into y, or ab minus x as it is ab minus x ka derivative which is minus 1 times sine of xy as it is times i, or phir 3x ka derivative 3j, or माइनस टू के का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई आई।
प्लस 3j। तो फिर हमने फाइंड करना है लास्ट में जो डेरिवेटिव, पार्शियल 2a बाय पार्शियल y पार्शियल x। अब हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है पार्शियल a बाय पार्शियल x का विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ वी हैव टू फाइंड पार्शियल दिस थिंग। तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल a बाय पार्शियल x। दिस इज फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ पार्शियल a बाय पार्शियल x। इसका एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था ऊपर, माइनस y साइन ऑफ एक्स वाई आई प्लस 3y माइनस 4x जे माइनस 3k। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो कीपिंग x कांस्टेंट। यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस y एज इट इज इनटू the derivative of sine of xy which is cos of xy into x. Now the derivative of minus y which is minus 1 into sine of xy as it is i, और यहाँ पे 3y का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा और 4x का 0 हो जाएगा और 3k का भी 0 हो जाएगा। तो अगेन ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई cos of xy minus sin of xy i plus 3j। तो अगेन ये सेम डेरिवेटिव आया जो कि से ऊपर हमारे पास जो डेरिवेटिव आ रहा था। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 22 है, इफ a ऑफ x y z इक्वल्स x स्क्वायर i प्लस y स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर k, शो दैट partial a by partial x, partial a by partial y and partial a by partial z are perpendicular to one another. तो वो हमने इस वेक्टर फंक्शन के लिए शो करना है कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर फंक्शन a है, इट इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z, एंड दिस इक्वल टू x स्क्वायर i प्लस y स्क्वायर j प्लस z स्क्वायर k। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल होगा, 2xi प्लस 0j, y स्क्वायर कांस्टेंट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, z स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा 0, तो 0j प्लस 0k सिंपली ये हो जाएगा 2xi। इसी तरह अब इसका जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा 2yj, और z स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा 2yj। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू z जब हम लेंगे तो वो हो जाएगा जस्ट 2zk। तो ये हमारे पास तीनों डेरिवेटिव आ गए। अब हमने ये शो करने के ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तीनों जो वेक्टर्स हैं, तो हमने ये देखने के तीनों का हमने सिंपली ये देखने के तीनों परपेंडिकुलर की कोई से भी दो का डॉट प्रोडक्ट वो जीरो आना चाहिए। मतलब फर्स्ट टू का देखें डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे देखें हम पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई, जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ये फर्स्ट टू वेक्टर्स का, तो 2x इसका i कंपोनेंट है और इसका i कंपोनेंट जीरो है। इस तरह यहाँ पे ये j कंपोनेंट, उधर j कंपोनेंट जीरो है, तो ये भी जीरो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इंप्लाइज कि पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स इज परपेंडिकुलर टू पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई। और इसी तरह जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये भी जीरो आता है। तो दिस इंप्लाइज कि ये डेरिवेटिव्स जो हैं, ये वेक्टर्स जो हैं, ये भी आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और इसी तरह अब हम देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये दो वेक्टर्स जो इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर।
तो इस तरह ये तीनों जो वेक्टर्स आए हैं पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल ए बाय पार्शियल जेड, ये आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो यही हमने शो करना था। अब हम आएंगे प्रॉब्लम नंबर 23 के सॉल्यूशन पे। इफ ए इक्वल्स यू वी डब्ल्यू आई प्लस यू डब्ल्यू स्क्वायर जे माइनस वी क्यूब के एंड बी इक्वल्स यू क्यूब आई माइनस यू वी डब्ल्यू जे माइनस यू स्क्वायर डब्ल्यू के, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हमें वेक्टर फंक्शंस ए और बी दिए हुए हैं और हमने इनके गिवन पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे ए और बी दोनों वेक्टर फंक्शंस जो हैं ये थ्री वेरिएबल्स यू वी और डब्ल्यू के फंक्शंस हैं। ओके, तो इसलिए हम इनके जो डेरिवेटिव्स करेंगे वो होंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट वन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है ए, देयर इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू आई प्लस यू डब्ल्यू स्क्वायर जे माइनस वी क्यूब के। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे हम अब u और w दोनों को कांस्टेंट्स के तौर पे ट्रीट करेंगे और v के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो u v w का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे अब u और w कांस्टेंट्स होंगे तो ये हो जाएगा u w, v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो u w i प्लस यू डब्ल्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि u और w कांस्टेंट्स हैं, हम सिर्फ जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v। इस तरह माइनस वी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस थ्री वी स्क्वायर के। ओके, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा यू डब्ल्यू आई माइनस थ्री वी स्क्वायर के, ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, नाउ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू u v, इसका मतलब क्या होगा? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पार्शियल बाय पार्शियल u ऑफ पार्शियल a बाय पार्शियल b, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमने जो पहला डेरिवेटिव फाइंड किया था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v, तो अब हम उसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। इट मींस यू हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ऑफ this vector which is u w i minus 3 v square k। अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो u w का डेरिवेटिव हो जाएगा w i और 3 v square k, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 v square का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा because v यहां पे कांस्टेंट है, इट इज जस्ट w i। तो इस तरह ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया डब्ल्यू आई की। ओके, तो अब इसको हमने एवेल्युएट करना है एट द ओरिजिन, सो वी हैव टू फाइंड दिस पार्शियल डेरिवेटिव एट द ओरिजिन। अब हम ओरिजिन को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, सो एट द ओरिजिन जीरो जीरो जीरो, थ्री डी का जो ओरिजिन होगा वो होगा जीरो जीरो जीरो। सो दिस second partial derivative of a will be equal to 0i, which is zero vector। यहाँ पे अब हम w को replace कर देंगे 0 से, तो इस तरह हमारे पास इस vector की value आ जाएगी 0। okay, अब हम solve करेंगे question के second part को। और अब हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम
एक का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करेंगे और बी का पार्शियल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे और फिर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसको 110 पे एवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने वेक्टर फंक्शन ए का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करना है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। So this means that we have to differentiate again partial a by partial b with respect to v. तो इसको दोबारा हम differentiate कर देंगे। तो पहले हम partial derivative of a with respect to v, first partial derivative calculate कर चुके हैं, जो कि ये आ रहा था हमारे पास uvi minus 3v square k। तो अब हमने इसको दोबारा से differentiate कर देना है with respect to v। So uwi माइनस 3v स्क्वायर k। जब हम इसका डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे u और w दोनों कांस्टेंट्स हैं, और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव माइनस 3v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 6v टाइम्स k। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v। और अब हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है b वेक्टर फंक्शन का with respect to u. So second partial derivative of b with respect to u, तो ये हमने calculate करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम calculate करेंगे first partial derivative, जैसे कि b vector function हमारे पास दिया हुआ था ऊपर, तो vector function b किसके equal था, so our vector function b equals u cube i minus u v w j माइनस यू स्क्वायर डब्ल्यू के। तो हमारा जो वेक्टर फंक्शन b है, सो दिस इक्वल टू यू क्यूब आई माइनस यू वी डब्ल्यू जे माइनस यू स्क्वायर डब्ल्यू के। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू u। तो u के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करें तो u क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3u स्क्वायर टाइम्स i, और uvw का डेरिवेटिव हो जाएगा vw टाइम्स j, और u स्क्वायर w का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u 2uw। तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू u, उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो 3u स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, 6ui माइनस vwj, vw का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो सारा कुछ जीरो आ जाएगा। ये थर्ड टर्म माइनस 2uw का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा माइनस 2w। ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू u। तो हमने ये जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे यहाँ पे a का और यहाँ पे b का, तो अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ओके, तो अब हमने जो वेक्टर फाइंड करना है वो क्या है, सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, सो दिस इज सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्रॉस सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू u। तो वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। अब हम सबसे पहले इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम इसको अगेन डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे i j k। सबसे पहले हम सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v जो आया था उसके जो है वो कंपोनेंट्स लिख लेंगे। देखिए उसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या थे, वो था माइनस सिक्स वी के, उसमें i और j कंपोनेंट दोनों जीरो थे, और उसमें हमारे पास जो k कंपोनेंट आया था वो क्या था, माइनस सिक्स वी माइनस सिक्स। तो इसके बाद सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू u, उसका i कंपोनेंट आया था सिक्स यू, उसका j कंपोनेंट यहाँ पे जीरो था, और उसका जो k कंपोनेंट है दैट इज माइनस टू। नाउ वी हैव टू फाइंड this determinant. इस determinant को हम expand करें again by using any row or column
तो यहाँ सबसे आसान कौन सा हो सकता है जिसमें सबसे लेस कैलकुलेशन। तो देखिए सेकंड रो में हमारे पास टू एंट्रीज ऑलरेडी जीरो है, तो मैं उसको सेकंड रो से एक्सपेंड करूंगा, तो एक्सपेंडिंग बाय रो टू, रो टू से एक्सपेंड करूंगा। फर्स्ट टू कंपोनेंट्स ऑलरेडी जीरो हैं, तो जस्ट इसकी माइनस सिक्स वी ये एंट्री ली जाएगी। अब क्योंकि ये एंट्री अब जो है वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, तो ये नेगेटिव ली जाएगी। नेगेटिव ऑफ माइनस सिक्स वी और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे टू बाई टू डिटरमिनेंट से, जो कि कैसे आएगा, हम इस रो को भी डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को भी डिलीट कर देंगे, तो पीछे रहेगा आई जे, आई जे इन सिक्स यू जीरो, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम एक्सपेंड करें तो हो जाएगा सिक्स वी टाइम्स जीरो माइनस सिक्स यू जे, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिक्स बी इंटू माइनस सिक्स यू जे, तो ये बन जाएगा माइनस थर्टी सिक्स यू बी जे, तो ये हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स यू वी जे। ओके, तो अब हमने इस वेक्टर को एवेल्युएट करना है एट द पॉइंट 110। ओके, यहाँ पे हमने u और v की जगह 1 पुट कर देंगे, u और v की वैल्यूज यहाँ पे 1 होंगे। सो एट दिस पॉइंट सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v क्रॉस the second partial derivative of d with respect to u, so this thing will be equal to minus 36 into 1 into 1 into j, so which is equal to minus 36 j. Okay, so this is the answer to the second part of the question. Now this is problem number 24. If the vector a equals x square yz I minus 2x z cube j plus x z square k, and b equals 2z I plus y j minus x square k, so we have to find this second partial derivative at the given point. तो यहाँ पे भी हमें दो वेक्टर फंक्शंस a और b दिए हुए हैं, जो कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन हैं, थ्री वेरिएबल्स x, y और z के फंक्शन हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड, तो सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स का, वेक्टर फंक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a क्रॉस b, ठीक है, तो उसको अगेन हम डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे i j k। अब वेक्टर फंक्शन a के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, वो है जी फर्स्ट कंपोनेंट x स्क्वायर y z, सेकंड कंपोनेंट है माइनस टू एक्स जेड क्यूब, जो थर्ड कंपोनेंट दैट इज x z स्क्वायर। b वेक्टर फंक्शन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज 2z, सेकंड कंपोनेंट है y, थर्ड कंपोनेंट है माइनस x स्क्वायर। सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट को एवेल्युएट कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा आई टाइम्स जो डिटरमिनेंट हम यहाँ पे लेंगे वो यहाँ से लिया जाएगा माइनस टू एक्स जेड क्यूब एक्स जेड स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि लॉन्ग वे में जस्ट एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि ये आसानी से समझ आ सके। सो आई टाइम्स ये टू बाई टू डिटरमिनेंट क्या होगा, माइनस टू एक्स जेड क्यूब एक्स जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस जे इंटू, और अब जो टू बाई टू डिटरमिनेंट आएगा बाई डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर 2z and minus x plus k into
जो सेकंड हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 बाई 2 डिटरमिनेंट आएगा, देयर इज x स्क्वायर y z माइनस 2x z क्यूब 2z एंड y। ओके तो इसको अब हम एक्सपेंड कर लेंगे फर्दर, दिस इक्वल टू i टाइम्स 2 माइनस 2x z क्यूब इनटू माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब z क्यूब, और इस तरह फिर माइनस y टाइम्स x z स्क्वायर, ये हो जाएगा x y z स्क्वायर, देन माइनस j इनटू अब x स्क्वायर y z इनटू माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस x 4 y z, देन माइनस 2z इनटू x z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x z क्यूब, प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, देन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2z इंटू माइनस 2xz क्यूब, तो ये हो जाएगा 4xz4, ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b। ठीक है, अब ये जो वेक्टर आया है, अब हमने क्या फाइंड करना है, जो हमारा जो फाइनल हमने फाइंड करना है वो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर दोबारा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड दिस सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हम a क्रॉस b का सबसे पहले इसको सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा तो वो हम सबसे पहले लिखेंगे, ओके, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस b विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम x और z दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 2x z क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स z स्क्वायर टाइम्स i, और फिर इसी तरह माइनस, और यहाँ पे x 4yz का डेरिवेटिव होगा माइनस x 4z, और यहाँ पे माइनस 2xz क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो दिस इनटू j, और फिर नेक्स्ट x स्क्वायर y स्क्वायर z का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स x स्क्वायर y z, और प्लस 4xz 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो टाइम्स k, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस xz स्क्वायर i प्लस x 4z j प्लस 2x स्क्वायर y z k, तो ये आ गया। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस b विद रिस्पेक्ट टू x y। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस b विद रिस्पेक्ट टू y, ओके, तो इसका मतलब है कि अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x लेना है ऑफ दिस वेक्टर व्हिच इज माइनस एक्स जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स फोर जेड जे प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर सो टाइम्स i, और फिर प्लस एक्स फोर जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा फोर एक्स क्यूब जेड टाइम्स j, फिर प्लस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4xyzk, so this here it was k,
तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और अब हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इसको हमने एवेल्युएट करना है एट द गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट क्या था हमारे पास, 1, 0, -2। तो अब हमने इस वेक्टर को एवेल्युएट करना है एट द पॉइंट 1, 0, -2। एट दिस पॉइंट द सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस b, सो दिस विल बी इक्वल टू, रिप्लेस कर दें x को 1 से, y को 0 से और z को -2 से, तो हो जाएगा -2 square i + 4 into x cube into z j + 4x into y into z k। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4i - 8j + 0k। सो दिस इक्वल टू -4i - 8j। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 25। फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर n टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसिस। तो यहाँ पे आपको जो गिवन सर्फेसिस दी हुई है, आपने उनकी वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उनका यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। जिस तरह के देखें पार्ट वन में हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन जो दिया गया है, दिस इज बेसिकली द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द सर्फेस, और ये फंक्शन है टू वेरिएबल्स यू और वी का। यहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन। यहाँ पे आर फंक्शन है टू वेरिएबल्स यू और वी का, तो सबसे पहले हम आर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, और फिर हम आर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी। तो ये हमारे पास जो वेक्टर्स आएंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास ये जो वेक्टर आएगा, तो हम सेम इसी वेक्टर को फिर इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। ये हो गया ये कि जब हम आर के जो डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा सरफेस के। ओके, और फिर उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम इस सेम वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे पार्ट वन में। तो सबसे पहले हम, बल्कि हर पार्ट में 1, 2, 3, 4 में हम आर के दो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है, उसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पार्ट वन में जो हमें वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ टू वेरिएबल्स वी यू एंड वी, तो ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ यू आई प्लस ए साइन ऑफ यू जे प्लस वी के। ये फंक्शन है। तो फर्स्ट हम इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा, ए कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए साइन यू टाइम्स आई। ए साइन यू का डेरिवेटिव होगा ए टाइम्स कॉस यू टाइम्स जे, और वी के का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी क्या होगा, अब उसमें जो फर्स्ट टर्म इसका डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यू यहाँ पे कांस्टेंट है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, और थर्ड टर्म वी के का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 times k। ओके, तो अब ये जो दो वेक्टर्स आए हैं हमारे पास, अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, सो
partial r by partial u cross partial r by partial v. तो अगेन इसको कंपोनेंट मेथड सॉरी डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. i j k जो फर्स्ट डेरिवेटिव के कंपोनेंट्स थे, i कंपोनेंट है माइनस ए साइन यू, j कंपोनेंट है ए कॉस यू और इसका k कंपोनेंट है जीरो. और इस तरह जो सेकंड वेक्टर है प्रोडक्ट का, उसका जो i कंपोनेंट जीरो है, j कंपोनेंट जीरो है और k कंपोनेंट है वन. अब हम इस डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करेंगे. तो अगेन इसको मैं एक्सपेंड करूंगा थर्ड रो से एक्सपेंड करना इसको ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टू एलिमेंट्स जीरो हैं. एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो, तो वन यहाँ पे जो है वो एंट्री है थर्ड रो और थर्ड कॉलम की, तो ये पॉजिटिव ली जाएगी. तो वन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू बाई टू डिटर्मिनेंट हमारे पास जो आएगा by deleting this row and this column, तो होगा i j minus a sin u a cos u. इसको जब हम expand करेंगे इस 2 by 2 determinant को, a cos u times i plus a sin u times j, तो ये vector आ जाएगा हमारे पास perpendicular. So unit normal vector n is equal to partial r by partial u cross partial r by partial v divided by the magnitude of this vector. So partial r by partial u cross partial r by partial v magnitude. तो हमने इस वेक्टर को डिवाइड कर देना है इसकी मैग्नीट्यूड से. तो a cos u i plus a sin u j divided by द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, एक्स कंपोनेंट होल स्क्वायर्ड प्लस वाई कंपोनेंट होल स्क्वायर्ड. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए कॉस यू आई प्लस ए साइन यू जे डिवाइडेड बाय, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू स्क्वायर रूट. और इसको जब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देयर इज इक्वल टू ऊपर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए टाइम्स कॉस यू आई प्लस साइन यू जे. और यहाँ पे ये ए स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा, ये और स्क्वायर रूट लेके फिर ये ए आ जाएगा. तो यहाँ पे ये ए और ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वेक्टर बचेगा देयर इज कॉस यू आई प्लस साइन यू जे. So this is our required unit normal vector. तो अब हम second part में जो vector function दिया हुआ है उसका unit normal vector find करेंगे. तो second part में जो हमारे पास vector function है r of u v, so there is equal to u cos v times i plus u sin v times j plus v k. अगेन सबसे पहले हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू u और फिर विद रिस्पेक्ट टू v. विद रिस्पेक्ट टू u जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो होंगे cos of v i, u cos v का डेरिवेटिव हो जाएगा cos v कांस्टेंट रहेगा और u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. सो u sin v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, ये हो जाएगा sin of v j और फिर v k का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या होगा, तो u cos v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v होगा माइनस u sin v टाइम्स i और u sin v का डेरिवेटिव होगा u cos v times j और v के डेरिवेटिव होगा 1 1k. तो ये आगे पार्शियल डेरिवेटिव्स. अब हम इनके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. ओके नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू v, दिस विल बी इक्वल टू i j
तो फर्स्ट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है कॉस वी साइन वी इन जीरो, सेकंड जो वेक्टर है इसका फर्स्ट कंपोनेंट है माइनस यू साइन वी, सेकंड कंपोनेंट है यू कॉस वी, और थर्ड है वन डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट को अब हम एवेल्युएट करेंगे। तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, अगेन फर्स्ट रो से कर लेते हैं। सो आई टाइम्स द 2 बाय 2 डिटरमिनेंट व्हिच इज साइन वी जीरो यू कॉस वी एंड वन एंड माइनस जे इनटू 2 बाय 2 डिटरमिनेंट कॉस वी जीरो माइनस यू साइन वी एंड वन एंड प्लस के इनटू 2 बाय 2 डिटरमिनेंट कॉस वी साइन वी माइनस यू साइन वी एंड यू कॉस वी। इसको एक्सपेंड करें तो आई टाइम्स साइन वी माइनस जीरो माइनस जे टाइम्स कॉस वी माइनस जीरो प्लस के टाइम्स यू कॉस स्क्वेयर वी प्लस यू साइन स्क्वेयर वी। तो ये जगह साइन वी आई माइनस कॉस वी जे प्लस यू, यहाँ से कॉमन लें कॉस स्क्वेयर वी प्लस साइन स्क्वेयर वी वन हो जाएगा, तो यू यू टाइम्स के। अब हमने इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो आया था हमारे पास उसको हमने उसकी मैग्नीट्यूड पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ओके, सो दिस वेक्टर साइन वी आई माइनस कॉस वी जे प्लस यू के डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसकी क्या होगी, साइन वी का स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर वी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कॉस वी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वी, और यू का स्क्वायर हो जाएगा यू। इसको फर्दर हम लिखें तो ये हो जाएगा साइन वी आई सॉरी माइनस कॉस वी जे प्लस यू के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी वन हो जाएगा, तो वन प्लस यू स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का अब हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वेक्टर है आर ऑफ यू वी, सो दिस इज इक्वल टू u cos v i plus u sin v j plus u square k। अगेन इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल r by पार्शियल u and पार्शियल r by पार्शियल v ये हम फाइंड करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, ये जगह कॉज ऑफ वी आई प्लस साइन ऑफ वी जे प्लस टू यू के, और विद रिस्पेक्ट टू वी इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस यू साइन वी प्लस यू कॉज वी टाइम्स आई यू कॉज वी टाइम्स जे एंड यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। ओके, तो अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। आई जे के फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास हैं कॉस वी साइन वी इंटू यू, जो सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं माइनस यू साइन वी एंड यू कॉस वी एंड जीरो। इस डिटरमिनेंट को अब हम एक्सपेंड कर लेंगे। इसको हम कैसे एक्सपेंड करें,
किसी भी रो या कॉलम से हम कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ थर्ड कॉलम से, क्योंकि उसमें एक एंट्री मुझे ऑलरेडी जीरो नजर आ रही है, थर्ड कॉलम से करता हूँ। तो इस कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है के, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, उसको पॉजिटिव लेते हैं हम के टाइम्स, यहाँ पे टू बाई टू डिटरमिनेंट जो होगा बाय डिलीटिंग दिस रो एंड दिस कॉलम, तो ये होगा कॉस वी साइन वी माइनस यू साइन वी एंड यू कॉस वी। फिर टू यू, ये जो टर्म है ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, तो ये नेगेटिवली जाएगी, तो माइनस टू यू टाइम्स टू बाई टू डिटरमिनेंट क्या होगा, ये होगा आई जे एंड माइनस यू साइन वी इन यू कॉस। इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये जगह के टाइम्स यू कॉस स्क्वायर वी प्लस यू साइन स्क्वायर वी, तो ये जगह माइनस टू यू इंटू यू कॉस वी आई प्लस यू साइन वी जे। किस तरह लिख सकते हैं के टाइम्स यू कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी वन हो जाएगा, तो ये के यू हो जाएगा, तो यू टाइम्स यूनिट वेक्टर के माइनस यहाँ पे टू यू स्क्वायर कॉस वी आई, यहाँ पे माइनस टू यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर माइनस टू यू स्क्वायर साइन वी जे। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले आई कंपोनेंट विच इज माइनस टू यू स्क्वायर कॉस वी आई, देन जे कंपोनेंट माइनस टू यू स्क्वायर साइन वी जे, और फिर के कंपोनेंट यू के। ये हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट या परपेंडिकुलर वेक्टर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, तो यू नॉर्मल वेक्टर एन क्या होगा हमारे पास, दिस वेक्टर माइनस टू यू स्क्वायर कॉस ऑफ वी टाइम्स आई माइनस टू यू स्क्वायर साइन ऑफ वी जे प्लस यू के डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसकी जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस टू यू स्क्वायर कॉस वी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं माइनस टू यू स्क्वायर कॉस ऑफ वी होल स्क्वायर प्लस माइनस टू यू स्क्वायर साइन ऑफ वी होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा फर्दर, माइनस टू यू स्क्वायर कॉस ऑफ यू आई माइनस टू यू स्क्वायर साइन ऑफ वी जे, दिस वाज कॉस ऑफ वी स्क्वायर कॉस ऑफ वी एंड प्लस यू के डिवाइडेड बाय, तो ये अब हो जाएगा फोर यू फोर कॉस स्क्वायर वी प्लस फोर यू फोर साइन स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर स्क्वायर। इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं माइनस टू यू स्क्वायर कॉस ऑफ वी आई माइनस टू यू स्क्वायर साइन ऑफ वी जे प्लस यू के डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4u4 कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी ये 1 हो जाएगा, तो जस्ट 4u4 प्लस यू स्क्वायर स्क्वायर अगेन माइनस टू यू स्क्वायर कॉस वी आई माइनस टू यू स्क्वायर साइन वी जे प्लस यू के, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें u स्क्वायर को, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय टेकिंग u स्क्वायर कॉमन, तो 4u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 2u स्क्वायर cos of vi माइनस 2u स्क्वायर sin of vj प्लस u के डिवाइड बाय u टाइम्स 4u स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर।
इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं, देखें ऊपर न्यूमरेटर से अगर हम यू को कॉमन ले लें, हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस टू यू कॉस वी आई माइनस टू यू साइन ऑफ वी जे प्लस के डिवाइडेड बाय यू टाइम्स फोर यू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट। इस यू और यू को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो इस तरह हो सकता है माइनस टू यू कॉज ऑफ वी आई माइनस टू यू साइन ऑफ वी जे प्लस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ फोर यू स्क्वायर प्लस वन। नाउ प्रॉब्लम नंबर 26, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन एट 0 0 0 फॉर द सरफेस एस रिप्रेजेंटेड बाय जेड इक्वल्स 3x² प्लस 4y². ओके, तो यहाँ पे जो हमें सरफेस दी गई है जेड इक्वल्स 3x² प्लस 4y², इस फंक्शन को पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे phi of x y z is equal to 0। इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर हमारे पास सरफेस इस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रही हो ओके, तो उस पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर n जो है वो फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर n विल बी इक्वल टू पार्शियल phi बाय पार्शियल x टाइम्स i बस प्लस पार्शियल phi by partial y times j plus partial phi by partial z times k। तो ये वेक्टर हम फाइंड करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे इसी की मैग्नीट्यूड पे। इस तरह हमारे पास जो है वो इस सरफेस पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लेंगे और इसके थ्री पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड और फिर उसको इस फार्मूला में प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल्स 3x² प्लस 4y², इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3x² प्लस 4y² माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई। सो phi ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास आएगा 3x² प्लस 4y² माइनस जेड। ओके, तो अब हमने इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 6x 4y² माइनस जेड, ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। इसी तरह पार्शियल phi बाय पार्शियल y अगर हम करें तो हो जाएगा 8y और विद रिस्पेक्ट टू z अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा -1। ओके, तो अब जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर n आएगा तो वो क्या होगा, पार्शियल phi बाय पार्शियल x टाइम्स i यानी हो जाएगा 6x टाइम्स i प्लस पार्शियल phi बाय पार्शियल y टाइम्स j तो हो जाएगा प्लस 8y टाइम्स j एंड -1 टाइम्स k। ठीक है, और इसको हम इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे विच इज 6x² प्लस 8y² प्लस 1² तो ये बन जाएगा 6xi प्लस 8yj माइनस k ओवर 36x² प्लस 64y² प्लस 1². ओके, तो इसको हमने एवेल्युएट करना है एट द पॉइंट 0 0 0 ओरिजिन पे हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। तो हम x y z सबको अगर हम 0 से रिप्लेस कर दें तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर n क्या होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो जस्ट माइनस k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पे ये टर्म भी 0 ये भी 0 जस्ट 1 रह जाएगा विच इज इक्वल टू जस्ट माइनस यूनिट वेक्टर k। तो ये हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर n आ जाएगा।
प्रॉब्लम 27 में फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर n 8 1 1 1 फॉर द सरफेस s रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x क्यूब्ड प्लस xyz प्लस 2y क्यूब्ड माइनस z क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0. पार्ट वन में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है सो फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये किस क्या बनता है यहाँ पे, सो फाई ऑफ एक्स वाई जेड हेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड माइनस जेड माइनस वन. हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन फाइंड करना है इस सरफेस के लिए एट द पॉइंट 1 1 1. अगेन पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो होगा 2x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा वो होगा 2y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z है -1. ओके, तो यहाँ पे हम इन डेरिवेटिव्स को बेसिकली अभी से ही इस पॉइंट पे एवेलुएट कर सकते हैं 1 1 1 पे, या सिंपली हम पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर n का एक्सप्रेशन लिखें और फिर बाद में ये पॉइंट प्लग इन कर दें. यूनिट नॉर्मल वेक्टर n किसके इक्वल होता है, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल x टाइम्स i, तो ये हो जाएगा 2x टाइम्स i, फिर प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल y टाइम्स j, तो 2y टाइम्स j, देन पार्शियल फाइव बाई पार्शियल z k, तो -1 टाइम्स k. दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर, तो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करें तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर्ड प्लस 2y स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड और -1 स्क्वायर्ड, तो 2xi प्लस 2yj माइनस k डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ 4x स्क्वायर्ड प्लस 4y स्क्वायर्ड प्लस 1. अब हम यहाँ पे पॉइंट प्लग इन कर लेंगे 1 1 1. सो एट दिस पॉइंट यूनिट नॉर्मल वेक्टर n विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, which is equal to 2 by 3i plus 2 by 3j minus 1 by 3k. Okay, so this is the required unit normal vector. Ab hum unit normal vector find karenge second surface, same point pe second surface pe. X cubed plus xyz plus 2y cubed माइनस जेड क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ये सरफेस हमारे पास यहाँ जो फाई ऑफ एक्स वाई जेड बनता है सेकेंड पार्ट के लिए, सो हेयर फाई ऑफ एक्स वाई जेड, सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स वाई जेड प्लस 2y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 5. यहाँ पे इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर्ड प्लस yz. यहाँ पे x yz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो yz हो जाएगा, और पार्शियल y बाय पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा x yz का डेरिवेटिव हो जाएगा xz, और प्लस 2y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 6y स्क्वायर्ड. नाउ पार्शियल 5 बाय पार्शियल z, तो एक यहाँ पे दो टर्म्स हैं xyz, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा xy, फिर -z क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा -3z स्क्वायर. ये आगे डेरिवेटिव्स, तो आप चाहें तो आप अभी से इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को गिवन पॉइंट पे एवेलुएट कर लें. सो एट द पॉइंट 1 1 1
पार्शियल 5 बाई पार्शियल x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x y z सबको 1 1 प्लग इन करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4। सिमिलरली पार्शियल 5 बाई पार्शियल y किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 6 7 एंड पार्शियल 5 बाई पार्शियल z किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। इस तरह यूनिट नॉर्मल वेक्टर n जो आएगा पार्शियल 5 बाई पार्शियल x टाइम्स i तो ये हो जाएगा 4i प्लस 7j माइनस 2k डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर 4 स्क्वायर्ड प्लस 7 स्क्वायर्ड माइनस 2 स्क्वायर्ड व्हिच इज इक्वल टू 4i प्लस 7j माइनस 2k सो डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 49 प्लस 4 तो 4i प्लस 7j माइनस 2k सो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 69। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं तो अवर यूनिट नॉर्मल वेक्टर n इज इक्वल टू 4 बाय 69 i प्लस 7 बाय 69 स्क्वायर रूट j माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 69 k। ओके सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर n। ओके तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 पे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 28। तो यहाँ पे हमें वेक्टर फंक्शन r दिया हुआ है इफ r ऑफ t इक्वल्स 3t स्क्वायर माइनस t टाइम्स i प्लस 2 माइनस 6t टाइम्स j माइनस 40k फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो हमने इंटीग्रेट करना है हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन r ऑफ t है तो दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस t i प्लस 2 माइनस 6t टाइम्स j माइनस 40k। ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ओके तो ये हो जाएगा जस्ट इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग 3t square minus t i plus 2 minus 6t j minus 40k। तो हमने इसको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है तो हम इसको कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट करेंगे तो हर कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 3t square minus t इंटीग्रल क्या होगा सो 3t cube by 3 minus t square by 2 टाइम्स आई इस तरह फिर 2 माइनस 6t का इंटीग्रल क्या होगा 2t माइनस 6t स्क्वायर बाय 2 टाइम्स j फिर माइनस 4t का इंटीग्रल होगा माइनस 4t स्क्वायर बाय 2 टाइम्स k। ओके ये इंटीग्रल आ गया और यहाँ पे हम प्लस c एंड पे कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा ये होगा टी क्यू माइनस टी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स आई प्लस 2 टी माइनस 3 टी स्क्वायर टाइम्स जे माइनस 2 टी स्क्वायर टाइम्स के प्लस सी। ओके सो दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल आर ऑफ टी डी टी। अब सेकंड पार्ट में हमने इसी इंटीग्रल को एवेलुएट करना है बिटवीन द लिमिट्स 2 एंड 4। ये अब हम यहाँ पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकाला है तो नाउ द इंटीग्रल फ्रॉम 2 टू 4 ऑफ r ऑफ t dt। तो हमने सिंपली यहाँ पे जो आया था आंसर हमारा इंटीग्रल का इसको एवेलुएट कर देना है 8 टू 4 तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं t क्यूब माइनस t स्क्वायर बाय 2 टाइम्स i प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर टाइम्स j माइनस 2t स्क्वायर टाइम्स k। ओके तो ये आया था इंटीग्रल इसको हम अब हम एवेल्युएट करेंगे 2 to 4 से 2 से 4 तक अब हम इसको एवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ जाएगा। So this equal to
यहाँ पे सबसे पहले हम हर जगह पे टी को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो 4 क्यूब्ड माइनस 4 स्क्वेयर्ड बाय 2 टाइम्स आई प्लस 2 टाइम्स 4 इज 8 माइनस 3 टी स्क्वेयर, तो ये जगह 3 टाइम्स 4 स्क्वेयर्ड जे माइनस 2 टाइम्स 4 स्क्वेयर्ड टाइम्स के, ये हो गया। ओके तो अब हम माइनस करेंगे और हम 2 पे एवेल्युएट कर देंगे, हर जगह 2 प्लग इन कर देंगे, तो माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वेयर बाय 2 टाइम्स आई, अब यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वेयर टाइम्स जे, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 स्क्वेयर टाइम्स के। इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या बनता है हमारे पास, सो दिस इक्वल टू 4 क्यूब, तो 64 माइनस 4 स्क्वेयर बाय 2 इज 8, तो 64 माइनस 8 टाइम्स आई प्लस 8 माइनस 3 टाइम्स 4 स्क्वेयर इज 48 जे माइनस 2 टाइम्स 4 स्क्वेयर इज 32 के, देन माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वेयर बाय 2 8 माइनस 2 दिस इज माइनस 6 आई, देन माइनस 4 माइनस 12 माइनस 8 दिस प्लस 8 जे एंड प्लस 8 के, सो दिस इज 56 आई माइनस 40 जे माइनस 32 के माइनस 6 आई प्लस 8 जे प्लस 8 के। लाइक टर्म्स को हम रीअरेंज कर लेते हैं, 56 आई माइनस 6 आई माइनस 40 जे प्लस 8 जे माइनस 32 के प्लस 8 के, तो हमारे पास जो आंसर आएगा देर इज 50 आई माइनस 32 जे माइनस 24 के। सो दिस इज द इंटीग्रल फ्रॉम 2 टू 4 ऑफ आर ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके तो यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी वेक्टर फंक्शन को, और जब इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है, जिस तरह देखें यहाँ पे हमने आर ऑफ टी इस वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इंडेफिनिट इंटीग्रल आया था, और एंड पे हमने जब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखा था, तो ये वेक्टर होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे जो सी होगा ये स्केलर नहीं होगा, ये बल्कि ये होगा ये वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि हम स्केलर के साथ किसी क्योंकि हम किसी भी वेक्टर के साथ किसी स्केलर को ऐड नहीं कर सकते, तो इस वेक्टर के लिए हमें वेक्टर के साथ वेक्टर ऐड करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमारा जो वेक्टर इंटीग्रेशन में जो है वो एक वेक्टर होगा। सो नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 29। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ कॉस टी आई प्लस t secant square t plus tan t j minus sin t k dt। ये हमने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, सो इंटीग्रल ऑफ cos t i plus t times secant square t plus tan t j minus sin t times k with respect to t। तो यहाँ पे हम टर्म बाई टर्म इंटेग्रल लेंगे, तो कॉस टी का इंटेग्रल हम अलग से ले लेंगे, तो ये होगा साइन टी आई, और फिर जो जे कंपोनेंट है इसका इंटेग्रल लेंगे टी सेकंड स्क्वायर टी प्लस टेन टी, तो यहाँ पे टी सेकंड स्क्वायर टी का जब हम इंटेग्रल लेंगे तो ये क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ टी टाइम्स सेकंड स्क्वायर टी डी टी। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हम टी लेंगे, सेकेंड फंक्शन लेंगे सेकेंड स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होगा टेन टी, सो माइनस द इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो टी का डेरिवेटिव होगा वन, और द सेम इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन टेन टी डी टी, ये हो जाएगा टी टाइम्स टेन टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन टी
टी टाइम्स टेन टी इंटेग्रल ऑफ टेन टी होता है लॉग ऑफ साइन टी, तो ये आ जाएगा। तो टी सेकेंड स्क्वायर टी का इंटेग्रल होगा दिस, सो टी टाइम्स टेन टी माइनस लॉग ऑफ साइन टी, और फिर यहाँ पे टेन टी दोबारा से आ गया प्लस टेन टी, उसका इंटेग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ साइन टी। सो दिस इज द जे कंपोनेंट, और यहाँ पे माइनस साइन टी का इंटेग्रल क्या होगा, ये होगा प्लस कॉस, तो कॉस ऑफ टी टाइम्स के, फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है सी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगी जिसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो साइन टी आई प्लस, यहाँ से ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो प्लस टी टाइम्स टेन टी जे प्लस कॉस टी के प्लस कांस्टेंट वेक्टर सी, सो दिस इज अवर इंटेग्रल। अब हम सेकंड पार्ट में इंटेग्रल को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो हमने इंटेग्रल कैलकुलेट करना है तो वो है इंटेग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ 3 sin t आई प्लस 2 cos t जे। तो इस वेक्टर फंक्शन का अब हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। सो 3 sin t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस 3 cos t टाइम्स आई, और 2 cos t का इंटीग्रल होगा 2 टाइम्स sin t जे फ्रॉम 0 to π/2। अब पाई बाय टू पे इसको इवेल्यूएट करें तो हो जाएगा माइनस 3 cos of π/2 आए प्लस 2 टाइम्स sin of π/2 जे। अब माइनस करेंगे और जीरो पे इवेल्यूएट करेंगे तो माइनस करने से ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स cos of 0 आए, और इस सेकेंड टर्म जो पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 2 टाइम्स sin of 0 जे। कॉज ऑफ पाई बाई टू जीरो होता है तो इससे ही सारी टर्म जीरो हो जाएगी। साइन ऑफ पाई बाई टू वन होता है तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1, तो 2j प्लस 3 टाइम्स cos of 0, तो ये 3 हो जाएगा, 3i, और साइन ऑफ जीरो जीरो होने से लास्ट टर्म फिर जीरो हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 2j। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस इंटीग्रल। प्रॉब्लम नंबर 30, इफ a of t equals t i minus t square j plus t minus 1 k and b of t equals 2 t square i plus 6 t k, evaluate the following integral। तो यहाँ पे हमने इन दोनों वेक्टर फंक्शंस के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम इनके डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेंगे, और फिर हम इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ आई कंपोनेंट है टी और यहाँ आई कंपोनेंट है 2t2, तो टी मल्टीप्लाइड बाय 2t2। यहाँ जे कंपोनेंट है माइनस टी स्क्वेयर और यहाँ पे जे कंपोनेंट है जीरो, तो यहाँ पे जो सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड जो नंबर है वो जीरो हो जाएगा। इस तरह टी माइनस वन के कंपोनेंट है और यहाँ पे के कंपोनेंट है 6t, तो 6t को मल्टीप्लाई कर लेंगे टी माइनस वन, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो 2t³ प्लस 6t² माइनस 6t, सो दिस इज ए डॉट बी। इस तरह ए क्रॉस बी क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई जे के, तो फर्स्ट वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं टी माइनस टी स्क्वेयर टी माइनस वन, तो बी के जो कंपोनेंट्स हैं उसका आई कंपोनेंट है 2t², जे कंपोनेंट 0 है और के कंपोनेंट है 6t, तो ये हम डिटरमिनेंट एवेल्यूएट कर लेते हैं। ओके, तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा थर्ड रो से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एक 0 मिल रहा है। अब 2t² जो है वो एंट्री है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो ये पॉजिटिव होगी, तो 2t²
इनटू 2 बाय 2 डिटरमिनेंट क्या बनेगा इसका, आई जे के माइनस टी स्क्वायर टी माइनस वन। फिर लास्ट में 60 थर्ड रो थर्ड कॉलम में है तो ये भी प्लस, तो 60 इंटू 2 बाय 2 डिटरमिनेंट आई जे टी माइनस टी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लें तो 2 टी स्क्वायर इंटू टी माइनस वन टाइम्स जे, यही क्या हो जाएगा, सो टी जे माइनस वन जे प्लस टी स्क्वायर के और फिर प्लस 60 इंटू माइनस टी स्क्वायर आई माइनस टी जे। तो ए क्रॉस बी को हम फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2t³j माइनस 2t²j प्लस 2t⁴k माइनस 6t³i माइनस 6t²j। यहाँ पे हमारे पास जो i कंपोनेंट्स हैं माइनस 6t³i और j कंपोनेंट्स प्लस 2t³j माइनस 2t²j माइनस 6t²j और k कंपोनेंट है प्लस 2t⁴k। इस तरह ये हमारे पास बनेगा माइनस 6t³i प्लस 2t³j माइनस 8t²j प्लस 2t⁴k। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 6t³i प्लस 2t³ माइनस 8t²j प्लस 2t⁴k। दिस इज ए क्रॉस बी। तो अब हमने इनको यूज करते हुए इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हमने कैलकुलेट करना है इंटीग्रल ऑफ a डॉट b फ्रॉम 0 टू 2। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 ऑफ a डॉट b dd। तो ये सिंपली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 और a डॉट b हमारे पास क्या आया था, a डॉट b था 2t³ प्लस 60² माइनस 60। सो 2t³ माइनस 60² प्लस 60। तो ये हमारे पास था डॉट प्रोडक्ट 2t³ माइनस 60 प्लस 60² माइनस 60। दिस इज प्लस 60² माइनस 60। इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रल आएगा 2t⁴ बाय 4 प्लस 60³ बाय 3 माइनस 60² बाय 2 फ्रॉम 0 टू 2। तो 2 प्लग इन करने से क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 ओवर 2 प्लस 2 टाइम्स 2³ माइनस 3 टाइम्स 2² और फिर 0 प्लग इन करने से तो सारी टर्म 0 हो जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर 4 बाय 2 तो ये 8 हो जाएगा, 2 टाइम्स 2³ इज 16 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 12। सेकेंड पार्ट में अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम 0 टू 2। सो नाउ इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 ऑफ ए क्रॉस बी। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2, अब ए क्रॉस बी का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, ऊपर ने भी कैलकुलेट किया था माइनस 60³i था माइनस 60³i प्लस 2t³ माइनस 8t² 2t³ माइनस 8t² j प्लस 2t⁴k प्लस 2t⁴k।
ये हमारे पास था a क्रॉस b, तो अब हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, इंटीग्रेट करें तो माइनस सिक्स टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस सिक्स टी फोर बाई फोर टाइम्स आई, प्लस टू टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा टू टी फोर बाई फोर माइनस एट टी क्यूब बाई थ्री टाइम्स जे, प्लस टू टी फाइव बाई फाइव टाइम्स के, लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू टू। टू प्लग इन करें हर जगह तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स बाई फोर इज माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू इंटू टू टू द पावर फोर टाइम्स आई, प्लस और यहाँ पे टू बाई फोर इज वन बाई टू और टू टू द पावर फोर माइनस एट बाई थ्री इंटू टू क्यूब टाइम्स जे, टू बाई फाइव इंटू टू टू द पावर फाइव, और जीरो से सब जीरो ही हो जाएंगी टर्म्स, तो कितना बनेगा माइनस 24i प्लस 8 माइनस 64 बाई 3 j प्लस 64 बाई 5 दिस इज k k। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 24i 40 बाई 3 जे प्लस 64 बाई 5 के।